भावनगर में हाईराइज बिल्डिंग में जो आग लगे तो फायर अने मकान मालिकों ने लमणे हाथ देने बैठवू पड़े तेवी स्थितिनु निर्माण महानगरपालिका तंत्रे कर्यु छे। महानगरपालिकाना फायर ब्रिगेड विभाग छेल्ला त्रण दायकाथी कंटम फाइटरो साथे काम करवामां आवी रह्यो छे, तेम छतां महानगरपालिकाना शासकों विकासनी वातो करवानुं मुकता नथी। जे शासकों त्रण त्रण दायकाथी मनपानुं शासन करी रह्या छे छतां फायर ब्रिगेडना विकासना नामे मींडू छे। हाल शहेरमां एक तरफ मनपा द्वारा हाईराइज बिल्डिंगना प्लान मंजूर करवामां आवी रह्या छे, पण तेमनो फायर विभाग आ हाईराइज बिल्डिंगमां आग बुझावा अने लोकोने रेस्क्यू करवा माटे सक्षम नथी तेवो घाट मनपाना तंत्रना पापे घડાયો છે। ત્યારે હાઈરાઇઝ બિલ્ડિંગમાં આગ લાગે તો લોકો અને ફાયર કર્મીઓને લમણે હાથ રાખવાનો વારો આવે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશોએ કર્યું છે। आप जे रीते बात करो छो ते रीते महानगरोनी अंदर हाईराइज बिल्डिंगोने सरकार नवा जीडीसीआर मुजब खूब सारूँ प्रोत्साहन आपे छे, जेथी करीने वर्टिकल डेवलप थई शके शहेरनुं अने लोकोने पूरतुं रिजनेबल भावे रहेवा लायक योग्य जग्याओ उपलब्ध थाय। परंतु तेमां फायर सेफ्टी पण एटली ज जरूरी होय तो स्वाभाविक छे जीडीसीआरना नियमो मुजब नवा फायर सेफ्टीना साधनों एमां ऑलरेडी इंस्टॉल थता होय छे। परंतु भावनगर महानगरपालिकानो फायर विभाग छे तेमां पण आ तमाम साधनों उपलब्ध होवा जरूरी होय तो अपनी पास हाल जूनी टेक्नोलॉजी तमाम वाहनों पूरत सेट उपलब्ध है से, परंतु वाहन पॉलिसी ने कारण घना वाहनों कंडम थाना है। हाईराइज बिल्डिंगों में आ इजीली काम कर सकें कक्षा प्लेटफॉर्मवाड़ू फायर फाइटर अपने राज्य सरकार में अंदाज एक वर्ष पहला दरखास्त करेली है। आ वर्षे राज्य सरकार बजेट में भावनगर और जामनगर बने आ फायर फाइटरो समावेश करनाखेलो है, तो थोड़ा दिवसों अंदर आमनी मंजूरी आए भावनगर ने आ फायर फाइटर उपलब्ध थानु। जूना वाहनों तमाम हो समय अंतरे रिपेरिंग और रिनोवेशन थतु हो परंतु एमन आयुष्य पूरु थतु हो तो स्वाभाविक है कि एमन निकाल करवानो थतो हो तो सरकारनी पॉलिसी मुजब एमन आयुष्य पूरु थई जाय तमाम वाहनों निकाल करवामां आवशे अने नवा वाहनों वसावामां आवशे।